अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जहांगीर, मेरे साथ हैं हमजा और आतिम, हमारे चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। सो गाइस, आज हम आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग किस्म का वीडियो लेके आए हैं। बेसिकली ये है जी आरसीबी वर्सेस केकेआर के मैच के ऊपर एक और रिव्यू, क्योंकि ये एक जिसे कहते हैं डिसअपॉइंटिंग ऐसा हुआ है। ये क्या हो गया आरसीबी के साथ? ये तो प्रैंक हो गया बेचारी आरसीबी के साथ। पूरी टीम जो है 94 के करीब ऑल आउट होगी, और ये आरसीबी का ही रिकॉर्ड है कि सबसे हाईएस्ट भी उन्होंने करने हैं, सबसे लोएस्ट भी वही करते हैं, और सबको जो है ना सरप्राइज करते रहते हैं। सरप्राइज, ठीक है। ये आरसीबी की टीम है ना, दरअसल ये तकरीबन पाकिस्तान जैसी लाहौर कलंदर की तरह, लाहौर कलंदर कह सकते हैं, ये लाहौर कलंदर की तरह की टीम है, ठीक है। जो कभी जीती भी नहीं हुई, हाँ, और नहीं जीती हुई, ये भी नहीं जीती हुई, वो भी ऐसे लोगों को खुश करती है, बड़े बड़े रन बनाती है, बड़े बड़े रन चेस करती है। बेंगलोर को लोग लाहौर के साथ कंपेयर भी करते हैं वैसे, हाँ, और हर चीज में सिमिलैरिटी, सबसे थोड़े रन पे आउट भी हो जाती है, कुछ भी आप एक्सपेक्ट। बेंगलोर में भी आईफिल टावर है मेरे ख्याल से, लाहौर में भी आईफिल टावर है, बेंगलोर में, दिल्ली में है। चल जो भी है, बहरहाल ये बात ये नहीं है, बात ये है कि आज के मैच के ऊपर हम बात करें तो आरसीबी ने आज बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया अपने फैंस को। सही बात है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह पे मौजूद है, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो या श्रीलंका, बांग्लादेश, हर तरफ, ठीक है जी। बेसिकली हम जो है सपोर्टर हैं वो आरसीबी के हैं, क्योंकि वो केकेआर जो है वो हमेशा जो है आपको जिसे कहते हैं ना कि एक बैलेंस टीम है, हर जगह हर बार कुछ ना कुछ करती रहती है, टूर्नामेंट में नजर आती है। जो टॉप फोर टीम होती है उनमें एक टीम केकेआर जरूर होती है, दो बार की चैंपियन भी है, तो ऐसे नहीं कोई टीम चैंपियन बन जाती, आखिर तो कोई बात होती है तो चैंपियन बनता है। सही बात है, ठीक है। तो ये क्वालिटी है केकेआर के अंदर, और केकेआर ने आज आउट क्लास कर दिया है, ठीक है, जिसे कहते ना कि मलिया मेट करके रख दिया पूरी की पूरी बैटिंग लाइन ऑफ आरसीबी की, ठीक है जी। लेकिन उसके बाद जब रन बनाने की बारी आई तो सिर्फ 10 ओवर में पूरा कर दिया, एक विकेट खो के। सही बात, तो ये आपके सामने सारी कमाल की बैटिंग थी, ठीक है, और कमाल की बॉलिंग थी, और लॉकी फर्गोसन हो गए, कृष्णा हो गए, सब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, और सब ने विकटें ली हैं, सांद रसल ने भी विकटें ली हैं, सब ने ली हैं, और एक बार फिर उनको बधाई देंगे। देखते हैं अब आरसीबी कैसे बाउंस बैक करती है, बाउंस बैक टूर्नामेंट में, जैसे वो टॉप फोर में रही है तो आगे उनकी क्या सिचुएशन बनती है, क्या वो अपनी इस पोजीशन के को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। करेंगे नहीं, कर पाते हैं या नहीं, करेंगे तो सही, देखते हैं ना कर पाते हैं कि नहीं, तो ये तो वक्त बताएगा। और केकेआर जो है नीचे से ऊपर आ रही है वापस, ठीक है, थोड़ा सा उनका डाउनफॉल चल रहा था, लेकिन लगता है कि सेकेंड एडिशन जो है, सेकेंड हाफ हो गया ना, सेकेंड हाफ जो है शायद उनके लिए बेहतर हो, ये अब देखना पड़ेगा। And keep watch Pakistan reacts.